बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2013 का पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है द डायग्राम शोज अ सर्कल सी विद सेंटर ओ। एक ये डायग्राम दिखा रहा है सर्कल सी सेंटर 3 सेंटीमीटर का एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ओ पी एंड ओ क्यू आर एक्सटेंडेड टू एस एंड आर। ये ओ क्यू आर की तरफ एक्सटेंड किया गया है और ओ एस की तरफ। सो दैट ओ आर इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर सेंटर ओ। ओ आर एस बी ये जो है सेक्टर बन गया है सेंटर ओ का और उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। देखिए 3 ये और 6 ये तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। गिवन दैट पी एस इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये दे रहा है पी एस 6 सेंटीमीटर एंड दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल सी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का सर्कल सी के एरिया के बराबर है। पहला तो पार्ट कहता है कि शो दैट द एंगल पी ओ क्यू इज पाई अपॉन 4 रेडियन। पी क्यू ये मैं ले लेता हूँ, ये सपोज थेटा है। ये हमें दिखाना है कि पाई अपॉन 4 रेडियन है। सबसे पहले तो आप देखिए शेडेड एरिया और सर्कल का एरिया इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। शेडेड रीजन का ये होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर जो बड़ा सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ आर एस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। देखिए शेडेड रीजन यही है शेडेड रीजन, और ये ओ आर एस सेक्टर का एरिया माइनस ओ पी क्यू सेक्टर का शेडेड एरिया आ जाता है। तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, सेक्टर का एरिया 1/2 r² थीटा होता है तो 1/2 ओ आर एस जो है यानी ओ आर एस का सेंटर जो है इसका है 9 रेडियस 9 × 9² × थीटा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी के आर 1/2 इसका रेडियस है 3² × थीटा मस्ट बी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर इधर है 3 का स्क्वायर। तो यह जाएगा 9² 81/2 थीटा माइनस यह जाएगा 9/2 थीटा इज इक्वल टू 9 पाई के। तो अभी हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 81 थीटा 81 माइनस 9 हो जाएगा 72 अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू 9 पाई के। तो यह जाएगा 36 पाई इज इक्वल टू 9 पाई के 36 थीटा इज इक्वल टू 9 पाई के। तो हमारा थीटा आ जाता है 9π/36 जो कि थीटा आ गया π/4 रेडियंस के। तो थीटा हमारा आ गया ये π/4 रेडियंस के। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है ये नेक्स्ट इसका पार्ट है, कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर शेडेड रीजन का आर्क लेंथ क्यू पी और आर्क लेंथ आर एस चाहिए। बाकी तो हमें सब कुछ मिला हुआ है, क्यू आर भी 6 ही होगा। तो आर्क लेंथ देखें मैं इस लिख देता हूँ पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा बेसिकली इसका शेडेड रीजन का पी एस प्लस आर्क लेंथ आर एस प्लस क्यू आर और प्लस आर्क लेंथ। ये आप डायग्राम से देखें बैठ के आर्क लेंथ क्यू पी। तो पेरीमीटर पी एस इसका जो है 6 ही है प्लस आर्क लेंथ होता है आर थेटा। तो यह आ जाएगा 9 × थेटा की वैल्यू है π/4 और प्लस क्यू आर 6 है प्लस आर्क लेंथ पी क्यू यह आ जाएगा 3 × π/4। तो 3 × π/4 तो ये आ जाता है 6 प्लस ये आ जाएगा 9π/4 प्लस 6 प्लस 3π/4 6 और प्लस 6 12 हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 12π/4 तो ये आ जाएगा 12 और प्लस 3π 12 प्लस 3π या इसको पॉइंट पे करें तो ये आ जाता है तकरीबन 21.43 सेंटीमीटर्स या 21.4 सेंटीमीटर्स। तो देखिए इस तरीके से हमने
इसका जो है पैरीमीटर भी मैंने कर लिया।